सो गाइस अभी यहाँ पर कैरी मिनाटी ने अपनी रोस्टिंग वाली वीडियो पे वाले पार्ट को डिलीट कर दिया जहाँ पर वो रजत दलाल को रोस्ट करते हैं। और आप लोगों को पता हो गई कैरी मिनाटी वाली रोस्टिंग वीडियो देखने के बाद रजत दलाल काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे एंड उन्होंने कैरी मिनाटी को रिप्लाई करते हुए ये कहा था कि मेरे वाले रोस्टिंग पार्ट को या तो ट्रिम कर दो या फिर डिलीट कर दो। सो गाइस अभी यहाँ पर कैरी मिनाटी की तरफ से एक स्टोरी आई जहाँ पर स्टोरी में ये कहे कि मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ हम लोग रोस्टिंग वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही बनाते हैं बिना किसी भी पर्सनल हेट और बिना किसी भी पर्सनल एजेंडा के। और हमारी इस वाली रोस्टिंग वीडियो में एक स्किट पार्ट रजत भाई का था और इसको देखने के बाद रजत भाई इस वीडियो को ऑफेंसिव वे में ले लिए इसलिए उनके कहने और रिक्वेस्ट करने पर वीडियो में से उनका रोस्टिंग पार्ट निकाल दिया गया है। एंड देन फिर कैरी मिनाटी ने एक और स्टोरी लगाते हुए कुछ ये कहा असली जिंदगी में सिग्मा बीटा अल्फा सब कुछ बनना पड़ता है। तो बाकी के यहाँ पर रजत दलाल के कहने पर कैरी मिनाटी ने वो वाला पार्ट डिलीट कर दिया है। तो बाकी के इस बारे में आप लोगों का अपना क्या ओपिनियन आप क्या कहना चाहते हो अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट करके जरूर से बता देना। बाकी के अगर इस बारे में रजत दलाल का कोई भी रिप्लाई आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो गाइस अब कंट्रोवर्सी की बात हो गई तो बात कर लेते थारा भाई जोगिंदर और फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस शायद से आप लोगों को पता होगा थारा भाई जोगिंदर की फुकरा इंसान के साथ कंट्रोवर्सी हो रखी है पुनी सुपरस्टार के कारण। और जैसे कि कल थारा भाई जोगिंदर और पुनी सुपरस्टार ने फुकरा इंसान को रिप्लाई किया था एंड वहां पर उनको एक्सपोज भी कर दिया था और जिसके बाद फुकरा इंसान ने थारा भाई जोगिंदर को लेकर अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ ये लगाया था हरकतों से बंदर है यो थारा भाई जोगिंदर। सो अभी यहाँ पर थारा भाई जोगिंदर का फिर से रिप्लाई आ चुका है फुकरा इंसान के ऊपर एंड वहाँ पर थारा भाई जोगिंदर ने फुकरा इंसान को बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आप लोग खुद देखिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप। तो बाकी के यहाँ पर आप लोग थारा भाई जोगिंदर और फुकरा इंसान के बारे में क्या कहना चाहोगे आप किसे ज्यादा सपोर्ट करते हो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड के अभी के लिए बस इतने अपडेट जल्दी लौटेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।